ओके सो हाय गाइस, दिस इज गेमिंग प्रोशन एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट वेंट रॉन्ग विद गैलेक्सी रेसर्स। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑब्वियसली नो पीएमपीएल अरेबिया देखा होगा एंड ऑब्वियसली इट्स जस्ट वन थिंग एंड दैट इज कि टीम नोज बेस्ट कि उनके साथ क्या खराब हुआ, क्या सही हुआ, किस तरीके से गेम प्लेस बने। लेकिन उसके अलावा अगर हम ऑल टुगेदर बात करें हर एक चीज़ को, यू नो हर एक चीज़ का सही गलत जान परख के कि क्या चीज़ गलत हुई गैलेक्सी रेसर्स के साथ, तो ये वीडियो उस चीज़ के बारे में रहने वाली है। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए चैनल पर लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। मेरे सोशल्स आप लोगों को ऑन स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर आप लोग आ सकते हो। एंड लाइक एम हम इस वीडियो का रखेंगे 1000 लाइक्स का, आई होप कि आप लोग करवा दोगे। एंड कमेंट करके मेरे को बताना कि आपके अकॉर्डिंग किस तरीके से चीज़ें बदल सकती हैं गैलेक्सी रेसर के लिए। प्लीज़ आई वुड जस्ट से यू नो पॉजिटिव कमेंट्स ही करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा टीम के लिए भी एंड जो मनोबल रहता है टीम का उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन अब अगर हम लोग इस चीज़ की बात करने की शुरुआत करें, सो let's actually begin the video and first of all with every conversation let's go with the roster। क्या यहाँ पर टीम का रोस्टर है? ऑन पेपर दिस इज अ रियली डेडली रोस्टर। आप एम जे की बात करें, हमने एम जे को 1v4 मशीन के नाम से जाना है, जिस हिसाब से ये प्लेयर यू नो PMWL के टाइम्स में 1v4 कर चुका है। वी नो इट। अल्ट्रॉन एक बेहतरीन प्लेयर, एक बेहतरीन असॉल्टर है अल्ट्रॉन, जो टीम के अंदर रहता है। मैक्स कैश की अगर हम बात करें, TMR स्पेशलिस्ट के नाम से ऑब्वियसली आप लोग इनको लाइक अवगत करवा चुके हैं खुद से। और ओवेस और रॉक्स की बात करें, IGL एंड IGL प्लस सपोर्ट रिस्पेक्टिवली इनके रोल्स यहाँ पर रहते हैं। ओवेस एक बहुत ब्रिलियंट IGL हैं, लेकिन दिक्कतें, अगर हम दिक्कतों की बात करें कहीं ना कहीं इनकी फाइट्स में और इनके गेम प्लेस में, तो वो बहुत सारी देखने को मिली। स्पेसिफिकली अगर हम फर्स्ट डे और सेकेंड डे को ऑल टुगेदर कंबाइन करके देखना चाहें तो, सो नाउ यू नो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू अंडरस्टैंड कि क्या उनके साथ सही हुआ, क्या उनके साथ गलत हुआ ऑल टुगेदर। सो लेट्स जस्ट सी देयर फाइट्स एंड हाउ दे वर यू नो टेकिंग अप ऑल दोस फाइट्स। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं कि यू नो सबसे पहली जो फाइट यहाँ पर पहले दिन की रही थी उसके ऊपर। सबसे पहले अगर आप लोग देखना चाहें कि ऑब्वियसली ब्रिज यहाँ पर क्रॉस करना पड़ेगा प्लेयर्स को, और ब्रिज क्रॉस करने के लिए यहाँ पर क्या चीज़ है, ओवेस ऑब्वियसली खुद को ब्रिज के ऊपर रख चुके हैं एंड बाकी सब प्लेयर्स ब्रिज के एरियाज़ को क्रॉस कर चुके हैं। नाउ ब्रिज क्रॉस करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको सर्कल भी देखना है, जोन कैसे बन रहा है, किस हिसाब से जोन के अंदर आपको मूवमेंट देनी है, वो सब चीज़ें। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है, आप देखिए जब हम फाइट्स की बात करें और फाइट्स चलते रहने की बात करें, हैव अ कहते हैं ऑब्वियसली प्लेयर्स एक दूसरे को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब चीज़ चल रही है, लेकिन इस सब में ओवेस पीछे रह जाते हैं। आई डोंट नो उस टाइम ये कैसा कॉल था या क्या कॉल इनका और इनके टीममेट्स के बीच में चला कि ओवेस ऑब्वियसली अगर थोड़ा सा टाइम दिया जाता, ओवेस मैं बोलूँगा कि वो ये एरिया क्रॉस कर सकते थे अगर उनके प्लेयर्स रहते। नो डाउट उनको पीछे से या साइड से कहीं ना कहीं स्पॉट किया जाता। आई वुड से वो एक हल्का सा ज़्यादा ओवर कमिटमेंट मुझे देखने को मिला पर्सनली। आई वुड से कि इतने ओवर कमिटमेंट की उस टाइम पर ज़रूरत नहीं थी। मे बी ऑब्वियसली वो प्लेयर डिसीजंस दे नो इट द बेस्ट, बट ये जो ओवर कमिटमेंट फैक्टर इस टीम का देखने को मिला, जैसी सर्कल नीचे गया सब प्लेयर्स मूव करना शुरू कर दिए थे। और इस चीज़ के अंदर गैलेक्सी रेसर्स के जो बाकी प्लेयर्स थे वो बाद में ऑब्वियसली नो जब मूव करे और ओवेस वहां पर रह गए एंड इन अ वाइल विल बी सीइंग दैट ओवेस को वहां पर, ये देखिए ओवेस यहां पर अकेले बचे थे, ही वाज जस्ट सर्वाइविंग देयर। अब जब बाकी प्लेयर्स भी पीछे से आगे की तरफ को मूव कर गए तो ओवेस के पास भी चांस हो सकता था आगे मूव करने का। आई नो वो आगे मूव उस टाइम पर क्यों नहीं किए, मे बी जस्ट ही वुड हैव थॉट कि मे बी उनको पीछे प्लेयर स्पॉट हो चुके होंगे और उसके कारण वो वहां पर स्पॉट करके प्लेयर्स को टेक डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। वो ऑब्वियसली इनके आपस के कॉल्स रहे होंगे, किस हिसाब से कॉल्स रहे, एंड उसके बाद यू नो ओवेस यहाँ पर टेक डाउन हो जाते हैं स्प्रेज वगैरह के अंदर एंड वो फिनिश ऑफ ऑब्वियसली यहाँ पर किए जाते हैं। फैल्कन के प्लेयर्स आ रहे थे जब, और अब इन प्लेयर्स का भी रोटेशन अगर आप देखो, दो प्लेयर्स साइड लाइन से देख रहे हैं, बाकी दो प्लेयर्स आगे की तरफ को आ रहे हैं, और जो साइड लाइन्स वाले प्लेयर्स थे क्योंकि ओवेस अगर हल्का सा भी लेफ्ट साइड पर जाएंगे जो साइड लाइन्स वाले प्लेयर्स हैं वो ऑब्वियसली इनको यहाँ पर टेक डाउन कर सकते हैं, और आगे वाले प्लेयर्स को तो बस रश करके ही इनको फिनिश करना पड़ता, तो ओवेस के लिए थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें बन गई थी। सो ये चीज़, सो आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए वन सेकेंड, जो साइड से देख रहे हैं वो वहाँ से प्रेशर डाल रहे हैं और जो आगे से वो वहाँ से प्रेशर डाल रहे हैं। सीधा एक ट्रेड निकला और ओवेस को वहाँ पर पिक ऑफ किया गया। अब तो सीधा अपने प्लेयर को, क्योंकि थर्ड सर्कल है, आप रिवाइव दे सकते हो और उसके बाद सीधा मूव करना है, वो बाकी प्लेयर्स कर रहे थे, एक किल आ गया। सो ये सब चीज़ों के चलते हुए कहीं ना कहीं मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये ओवर कमिटमेंट का एक इशू शायद गैलेक्सी रेसर्स को दिक्कत में लेकर के आ गया। अब अगर ओवर कमिटमेंट से हटें और अगर हम यहाँ पर देखें जिस हिसाब से ये वाली फाइट्स चल रही थी, इस फाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है हायर एरिया लोअर एरिया। मेरा मार में सबसे अच्छी चीज़ प्लेयर्स जो करना चाहेंगे वो एक ये रहती है कि आप सर्कल के सेंटर में रहो, जितना आप सर्कल के सेंटर में हो उतना अगले आने वाले सर्कल्स में आपको फ़ायदा मिलता है। सर्कल के सेंटर में रहना ठीक है, हम मानते हैं कि काफ़ी एक अलग बात हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एक और सवाल ये भी बनता है कि सर्कल में हायर ग्राउंड और लोअर ग्राउंड में आप कौन सा एरिया चूज़ करते हो। ये हमने साइड्स को भी करते हुए देखा था, साइड्स सर्कल के सेंटर में थी कुछ कुछ गेम्स में, लेकिन वो लोअर ग्राउंड पर थे, जिसके कारण उनकी वो फाइट्स अच्छी नहीं गई एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट कुड हैव बीन। उनके पास वो सेकंड डिनर फाइट्स हो सकती है, लेकिन वो थर्ड फोर्थ पोजीशन पर एलिमिनेट हुए। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। उनके पीछे रात का स्क्वाड था जो हायर एरिया पर रह करके उनके किल्स दे रहा था। सो सर्कल के अंदर रह करके भी हायर एरिया लोअर एरिया ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाती है। सेंट्रल पॉइंट अगर आप एक्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट नहीं लेना चाहते तो सेंटर के आसपास कोई हायर ग्राउंड ले लीजिए, ताकि आपके ऑपोनेंट जब रोटेट करें आप वो हायर ग्राउंड फाइट्स अपने हिस्से में कहीं ना कहीं बना सके, जो एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल फैक्टर ऑल टुगेदर जोन के साथ साथ बन जाता है। लेकिन सर्कल के सेंटर में रह करके भी मेरा मार का एक कहीं ना कहीं फ़ायदा या नुकसान अगर आप बोलना चाहें वो ये रहता है कि आप सर्कल को भी पूरा दोष नहीं दे सकते। आई मीन इस चीज़ के अंदर हाँ नो डाउट हमें बोल सकते हैं जोन उनको फेवर नहीं कर रहा था पूरा, लेकिन अगर वो सर्कल के सेंटर में भी थे या फिर सर्कल के अच्छे खासे एरिया में थे तो सर्कल के अंदर रह करके भी आपको कभी ना कभी हार्ड शिफ्ट्स के अंदर मूवमेंट करनी पड़ती है। सपोज सर्कल की डायरेक्शंस पर ये पूरी बात आती है, एंड सर्कल इनको फेवर नहीं किया था बाद में। एंड सर्कल के बाद इनकी रोटेशंस की भी एक चीज़ आती है, 2-2 का रोटेशन इनका यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो एक हेस्टी डिसीजन था। सो शॉर्ट कॉलिंग मैं ये बोलना चाहूँगा कहीं ना कहीं हल्की सी डगमगाई थी, एंड ये वो टीम ऐसी नहीं है जो इन सब चीज़ों में डगमगाती है, क्योंकि इस टीम को हमने जितना जाना है, जितना परखा है, जितना समझा है, ये टीम बहुत अच्छी फाइट्स अपनी ऑल टुगेदर बनाती है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस टीम को उस चीज़ के अगेंस्ट दिक्कत आ रही थी। लेट्स जस्ट अज्यूम राइट, अब जो ऊपर वाली टीम्स हैं वो ऑब्वियसली इनको शॉट्स देना चाहेंगी। इनके ऊपर अगर ये रोटेट करते हैं गाड़ी के ऊपर हल्के फुल्के शॉट्स मार करके प्लेयर्स को डाउन करना उनका मोटिव रहेगा। सो ये सब चीज़ें, एंड वंस अगेन सर्कल का आपको हेल्प ना करना है, नो बहुत सारी टीम्स को हेल्प नहीं करता है। बहुत सारी टीम्स फिर भी कहीं ना कहीं से हल्की फुल्की हेस्टी डिसीजंस के अलावा सोच समझ करके अगर डिसीजंस लेती हैं वो मूव करती हैं सर्कल के अंदर। नाउ ऑब्वियस बीइंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आईजीएल्स, आई वोंट से कि यू नो उनके ऊपर कोई गलती थी, बिकॉज उनका गेम प्ले, उनका गेम स्टाइल हम सबको पता है काफ़ी यूनिक रहता है इन हिज ओन वे। उनकी कॉल्स काफ़ी अलग रहती है इन हिज ओन वे, एंड दैट इज ऑब्वियसली एक नॉर्मल कॉल ये भी रहती है कि रश करो, आगे जाओ, या फिर जोन के अंदर अच्छा एरिया ढूंढो, ये रहता है। बट उनके कॉल्स के साथ एक और चीज़ आती है, अगर तुम ढूंढ सको तो ऑब्वियसली यू नो उस एरिया को होल्ड करने की ट्राई करो, बट अगर आप रोटेशंस में ही कैच डाउन हो जाओगे तो आपको पता आपके अगेंस्ट दिक्कतें आएंगी, और ये लाइक इस चीज़ को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फाइट। अगर इस फाइट की हम बात करें, ऑलरेडी ये फाइट कहीं ना कहीं गैलेक्सी रेसर्स NASR की तरफ होने लगे। NASR अगर हम एक सीरियसनेस में बात करें बहुत ब्रिलियंट गेम प्ले दिखा रही है ये टीम। इनके पास 2 चिकन डिनर्स आए हैं जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑब्वियसली अभी क्या रात के 1:30 बज रहे हैं, ये पूरा टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, तो इनके पास 2 चिकन डिनर्स आए थे, और ये जो पूरा एरिया आप देख सकते हो इस पूरे एरिया में फाइट हो रही है। पहली चीज़ तो पीछे से आने वाली टीम्स, नहीं आने वाली टीम्स, वो एक अलग फैक्टर बना देती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनको यहीं से रोटेट करना है पूरा का पूरा। लेकिन इस सबके अलावा भी ओवेस हल्का सा पीछे हैं, ओवेस यहाँ से फाइट ले सकते हैं इस एरिया पर, बट प्लेयर्स ज़्यादा कमिट करना ही नहीं चाहेंगे इतना आगे आकर के। प्लेयर्स इस डायरेक्शन में आकर के कमिटमेंट अपनी देना ही नहीं चाहेंगे NASR वाले। उनको अगर 1-2 शॉट्स पड़ते हों ओवेस के तो वो आएंगे ही नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर आप देखो अल्ट्रॉन थोड़ा सा पीछे हैं, और अल्ट्रॉन ऑब्वियसली यहाँ पर बदिका को देख सकते हैं अगर उनको स्पॉट हो जाए, बिकॉज MJ ने भी वहाँ पर मिरेकल को डाउन कर दिया था। सो इन सब फाइट्स में मैं बोलूँगा शॉर्ट कॉल्स की हेस्टीनेस कहीं ना कहीं दिक्कत देगी। देखिए सीधा नॉक सीधा फिनिश एक ट्रेड लिया था मिरेकल को नॉक करने का, लाइक MJ ने मिरेकल को नॉक किया और यहाँ पर चिको ने MJ को नॉक किया, नॉक फिनिश सीधा, कुछ नहीं सोचा, नॉक किया, सेम स्प्रे में फिनिश किया, जस्ट टू गेट वन कंफर्मेशन। दैट इज के उन्होंने ये भी दिखाया कि आसपास और प्लेयर्स होंगे बट मेरे सामने जो प्लेयर मैं उसको नॉक और फिनिश करूँगा, और उतनी देर में नाउ इट गिव्स अ टाइम फॉर गैलेक्सी रेसर्स पीपल टू जस्ट मूव इन। अल्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उनको पता है कि उनके सामने एक प्लेयर है, बट देखिए वो सामने जाते जाते एकदम से साइड को मूव किए। अभी फिर से बन जाता है हायर एरिया लोअर एरिया का फाइट, बीच में एक रेज है। यहाँ पर अल्ट्रॉन की हेल्थ अच्छी खासी है, आगे को मूव कर सकते थे इधर, लेकिन अब उनको यहाँ का एरिया भी देखना पड़ेगा। वो जहाँ पीछे थे आप देखो यहाँ से ना एक हल्का सा डिप शुरू हो जाता है, तो वो यहाँ पर रह करके वो फाइट ले सकते थे अपने हिस्से की, यहाँ पर उनकी फाइट अच्छी बन सकती थी। मैं थिंक वो यहाँ पर आए, अब वो यहाँ से भी स्पॉटेड है, यहाँ का तो उनको पता ही है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि नो गैलेक्सी रेसर्स ने खराब डिसीजंस लिए, काफ़ी सारे। उनका एक अच्छा गेम भी था जिसमें वो टॉप 2 में आए थे, उसमें उन्होंने क्या किया, सर्कल को हमेशा प्रायोरिटी दी। वो वाला गेम था जो आप सोचेंगे, आप देखेंगे कि सर्कल के हमेशा वो अंदर जाते थे, जोन के सेंटर के अंदर खुद को अलाइन करते थे, जोन के सेंटर में रहते थे और जोन के अंदर अच्छी फाइट्स ले रहे थे। सो दैट जस्ट शोज दैट इफ गिवन द राइट कंडीशंस दे आर थ्राइविंग वेरी गुड। बट बाकी आप ये नहीं बोल सकते ना कि बाकी सारे मैप्स में कंडीशंस उनके अगेंस्ट थी। हाँ, जोन कुछ में अगेंस्ट था, कुछ में फाइट अगेंस्ट उनके गई। सो वंस अगेन ओवर कमिटमेंट, शॉर्ट कॉलिंग और जो हेस्टी डिसीजंस हुए थे, ये तीन चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत वाली थी जो हमें देखने में लगा। आप लोग बता सकते हो कि आप इन सब चीज़ों में कितना सहमत हो और कितना नहीं सहमत हो, आपके क्या व्यूज़ रहने वाले, क्योंकि इन सब चीज़ों में, अब जैसे ये वाली फाइट को भी अगर आप देखें, इन सब चीज़ों में लेट्स लुक एट दिस। अल्ट्रॉन नाउ ही गोज डाउन, एक प्लेयर को डाउन किया जा चुका है। अब बाकी प्लेयर्स ऑब्वियसली यहाँ पर आगे मूव करके खुद को देखना चाहेंगे। मैक्स कैश और ओवेस हैं ज़रूर, लेकिन ये एरिया देखिए कितना ओपन है। इस मौके पर बधिका ने यहाँ पर मैक्स कैश को स्पॉट कर लिया। बधिका को पता है कि एक प्लेयर इस जगह पर भी है। अब ये जो डिप है, ठीक है, एक अच्छा डिप है, मैक्स कैश यहाँ पर स्पॉट हो सकते हैं, मैक्स कैश के ऊपर डैमेज पड़ सकता है, बट नो डाउट ही स्टेज सेफ और वो यहाँ से निकल जाते हैं। ये फाइट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो यहाँ से निकल जाए, ये फाइट होनी चाहिए थी कि सीधा साथ के साथ बैकएंड पर कॉल आए, प्लेयर मूव करे, वो सब चीज़ें। ओवेस भी ओपन एरिया में, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा वो घर में थे, घर से ओपन एरिया में आते हैं और बधिका ने यहाँ पर एक प्लेयर को डाउन किया, दो को डाउन किया। सो ये जो दो किल्स बधिका के हिस्से में गए, ये किल्स अल्टीमेटली यू नो अपसाइड डाउन में गैलेक्सी रेसर के हिस्से में जा सकते थे यदि सब प्लेयर्स का वो शॉर्ट कॉलिंग सही होता, क्योंकि आपको पता है यार ओपनिंग एरिया था आपके अगेंस्ट, ओपन एरिया में फाइट लेनी थी। ये जो हल्का सा रेज है ये चकमा दे गए एक तरीके से और उसके कारण फाइट्स प्लेयर्स के अगेंस्ट गई। नेवरदलेस आने वाले हफ्ते होपफुली गैलेक्सी रेसेस के लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। हम लोग होप करेंगे कि यू नो वो हफ्ते काफ़ी अच्छे रहें इस टीम के लिए। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग मेरे को ज़रूर बता सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में। एंड मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो तक के लिए। स्टे सेफ, स्टे इंडोर, स्टे ऑसम एंड अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट।